दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सहजन की फली की सूखी सब्जी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए हमने फली को बारीक बारीक काट लिया है, इसको उबाल लिया है, उबाल कर रख लिया है। दो हरी मिर्च काट ली है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक पेस्ट लहसुन का लिया, एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया, एक चौथाई चम्मच जीरा लिया, एक छोटी प्याज कटी हुई, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक आपके स्वादानुसार ले लीजिए। अब मैं आपको सहजन की फली की सब्जी बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। इसके ऊपर ये पतीला रख दिया। इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके अंदर प्याज डालेंगे, जिसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम सहजन की फली डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमारी सहजन की फली की सब्जी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। ये हमारी सहजन की फली की फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। ये हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे। ये हमारी सहजन की फली की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। हमारी सब्जी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।